Who is that? बस कर रहे मैं डांसर इसका मतलब ही नहीं कि सुबह 6 बजे नाचेगी मैं कौन है मैं दूध देने आया हूँ दूध देने हमारे मोहल्ले में बहुत दूध है कौन है तू मैं लेने आया हूँ ना ए चोर ए चोर ए चोर शोर भूरी हूँ मैं डाकू 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 ए डाकू आज तो पूरा 1 मिनट एक्सरसाइज हो गई तू क्या नथुलाल हलवाई बनके घूम रही सुबह सुबह अरे कपूर लूज कपड़े में ना जॉगिंग बड़ी अच्छी होती है ए साइकिल पे कौन जॉगिंग करता है तू चुरा के देख किसी का भागना पड़ता है एक्सक्यूज मी अरे साइकिल जीजू की है अच्छा जीजू की साइकिल चुराते शर्म नहीं आती तेरे को ऐसी लड़की होती जिनकी न्यूज आती है हाँ। जीजू का साइकिल लेके प्रेमी संग फरार चलो ना फिर हम दोनों साथ में मिलकर न्यूज बनाते हैं जब तू नॉर्मल कपड़े पहन के आती है ना हाईएस्ट सेक्सी वाले कपड़े तब भी मुझे तू ठीक नहीं लगती और आज ये तू हलवाई के कपड़े पहन के आ गई तो मैं तेरे साथ फ्लर्ट करूंगा अरे तो क्या हुआ हलवाई के कपड़े है तो चलो मिलके एक आध मिठाई बना लेते हैं ए, तेरा पेड़े जैसा मुंह है इसका मतलब ही नहीं कि कुछ भी बोलेगी कप्पू मैं क्या बोल अरे हाँ इधर है कप्पू हाँ? ये ना इधर जॉगिंग के लिए नहीं आई ये मिल्किंग के लिए आई है इधर दूध बेच रही है सब क्या दूधेड़ी कहीं की ए, नहीं नहीं कप्पू कप्पू इसकी बातें मत सुनो अरे कॉलेज में ना मुझे प्ले में कैरेक्टर मिला है तुमको पता है जब मुझे कैरेक्टर मिलता है तो मैं पूरा घुस जाती हूँ बहुत ज्यादा घुस जाती है कल तो आपको पता दूध पीने के चक्कर में आपके फ्रिज में घुस गई थी वो तो शुक्र है परमीत सर ने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया था अच्छा फिर तो चूहिया जम गई होगी ए सपना अपने भाई के सामने ज्यादा बोल मत ए भाई का मैं लिहाज कर रहे लिए समझी वरना अभी तक ना तेरे मुंह में हाथ डाल के आत्मा निकाल लेती मैं जानती नहीं मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरे को क्या इसकी आत्मा निकालेगी तू इसकी जेब में हाथ डाल 1 रुपया नहीं निकलता मुंह क्यों बांध रखा तूने बच्चों को लूटने वाले डाकू नहीं वो मैंने वो कप्पू वो मैंने चाहती फैंस मुझे देख ले फैंस वाह फैंस बड़ा तूने एवेंजर फिल्म में थानोस के मुंह पे मुक्के मारे तूने फैंस अच्छा कप्पू मेरे को तेरे को बात पूछना था ये थानोस कौन है यार ये अपना जो साउथ का सुपरस्टार है धनुष उसका छोटा भाई है क्या थानोस पागल है तू ये देखो थॉर के हथौड़े जैसा खुद है पता नहीं थानोस कौन है अच्छा तेरा भी तो मुंह तोते जैसा है तेरे को मिर्ची के बारे में मालूम है क्या कप्पू तुमने अपनी बहन को समझा लो वरना सुबह सुबह ना राड़ा हो जाएगा राड़ा राड़ा नहीं मैं तेरे को छीलेगी ना सिंगाड़ा हो जाएगा बता रही है एक तो ना एक तो बंदा अपने घर में भी चैन से नहीं सो सकता मैंने देख लिया है चा 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 करके लगा रखी है इधर ओ हो भाई टाटा साहब इधर सो रहे हैं तो जब पता है कि टाटा साहब इधर सो रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो टाटा साहब मैं कहीं आपके मुंह पे चाटा साहब ना मार दूं ये चांटा देने आ जाते हो कभी बैटी भी लेकर आ जाया करो ए, पाल घर के मुंडू बैटी के लिए ना बैट होना चाहिए हाँ। तू फुटपट्टी मांगा कर ठीक है शक्कर थोड़ी कम रखना आजकल मैं कीटो डाइट पे हूँ कीटो डाइट पे कीटनाशक पी के तो तेरी कब्ज खुलती है कीटो डाइट पे तू कैसे आ गया मतलब यार 2 मिनट मैं सो के गया आपने मुझ पर बातें बनानी शुरू कर दी 2-3 साल सो हम 15 शो बनाएंगे देखना मैं आपके इतना काम आ रहा हूँ कोई बात नहीं फिर सोनी साहब से मेरी मीटिंग करा फटाफट दिखा टाइम क्या हुआ सोनी साहब की गाड़ी निकल रही होगी फटाफट जाके नीचे आ जा यार आप तो बैक टू बैक जवाब दिए जा रहे हो गेम को जमने नहीं दे रहे पॉइंट पर पॉइंट बनाए जा रहे हो वेल व्हाट्सअप बेबी बुरी
भूरी हूँ भूरी। एक चीज ध्यान रखना है, ये दो बार भूरी बोलने से तू कैटरीना नहीं हो जाएगी। भूरी नाइकी पहनने से तू भी लड़की नहीं बन जाएगी, हाफ प्राइड मर्द कहेगी। वेरी गुड, शाबाश, मेरे साथ रह रहा करना, तुमने जवाब देना सीख ही लिया है। तू भी सीख, तू भी सीख। उसने जवाब देना सीख लिया, तू बातें सुनता रहता बैठा इधर। तो बातें सुनना अच्छे लिसनर की निशानी होती है। किसकी निशानी होती है? अच्छे इंसान की। मुझे आपने क्यों डिस्टर्ब किया? आपने मेरा बोर्ड नहीं पढ़ा इधर? डू नॉट डिस्टर्ब। तुमने बड़ा होटल में स्वीट बुक किया है? ओए होए होए, स्वीट रूम? बुरी, कहीं मेरे साथ तुम हनीमून तो नहीं मनाने का सोच रही? तुम्हारे साथ हनीमून जाने से अच्छा मैं जहन्नुम चली जाऊं। हाँ तो जल्दी जाओ, टाइम बहुत कम है, जल्दी जाओ। और जैसी तू चुड़ैल जैसी है ना, तेरा जहन्नुम में जाना बनता है, जा। अच्छा मेरी बात सुनो, जहन्नुम वेस्ट जाएंगे क्योंकि ईस्ट में बहुत ज्यादा हमें ट्रैफिक मिलेगा। अरे क्या चल रहा है? हेलो, ये क्या हल्ला मचा के रखते हो यार मोहल्ले में? ये मोहल्ला है कि चिड़ियाघर है? चल क्या रहा है? अच्छा खुद की सूंड तूने ट्रिम करा दी, बाकी के जानवर तेरे को तंग कर रहे? सूंड ट्रिम करा दी। ये क्या वाहियातपने की बातें करते रहते हैं यार आप? या सिद्धू जी के वियोग में क्या हाल बना लिया है आपने अपना? जीजू, ये चंदू मुझे छेड़ा है। तो तुम्हें क्या वरुण धवन छेड़ेगा? ये पहली साली है जिसे उसका खुद का जीजा भी नहीं छेड़ता। जीजू बड़ा सलमान खान मिला है ना मुझे। अपनी बहन को साक्षी मान के बताओ कि जैसी तुम्हारी बहन है, क्या सलमान खान जैसा जीजा बनता है तुम्हारा? बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, ए हाफ साइड बीच में मत बोल। जीजू आप इस चंदू को बोलो कि वो मुझे आगे से छेड़े ना। अरे छेड़ रहा है तो थोड़ी सी छिड़ जाओ यार। अरे ऐसे लड़के होते हैं गर्लफ्रेंड की शादी में सिलेंडर भरवाने का काम करते हैं। और जो लड़के सिलेंडर नहीं भरवा पाते, हाँ, वो फिर अपने अंदर गैस भर के लोगों को सिलेंडर भर रहे होते हैं। इसने हमारी साली को छेड़ा, हाँ, हमने इसे दो बातें सुनाई, ये हमें दो बातें सुनाई, ये बात तो हमें समझ में आती है। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहे हैं? देखो जी, हम बचपन के दोस्त ऐसे नहीं है। आज ये मेरे लिए बोला, कल मैं इसके लिए बोलूंगा। हम दोनों का काम ऐसे चलता है। तू ऐसे ना बुलाकर हमारा काम नहीं चलेगा आगे से। क्या हुआ भाई, अब तुम कुछ बोलोगे या सुनोगे या भक्तोगे या भगोगे या समझोगे? अरे या पिटोगे या चला दे। मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने थप्पड़ खा लेना तुमसे। अच्छा वाह, आप ना कमाल के बुजदिल आदमी हो, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो भूरी ये बताओ, दूध सप्लाई करने निकली थी तुम, कस्टमर लोग के हमें फोन आ रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचा दूध? जीजू वो एक्चुअली ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा एक्सीडेंट? तू चींटियों के नीचे आ गई थी? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कप्पू यार, हर वक्त ना मजाक अच्छा नहीं लगता। तेरा नहीं अच्छा लगता, हमारा तो अच्छा लगता है। तुझे बात पता है, रिपीट टेलीकास्ट आता ना जब, तेरा काट देते उसमें से। बोरी मेरी बात सुनो, सोनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं उनसे बात करके तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट में काम दिलवा दूंगा। सोनी साहब तेरे साथ इधर ही उठते बैठते हैं? तो कई और लोकेशन है तुम लोगों की? नहीं, हमारा उधर बैंड्रा भी मिलना होता है सारा। अच्छा। इसको साइड से खुलवा, अंदर हवा जाए तेरे। सोनी साहब के साथ उठना बैठ रहा है। देखो यार, तुम आते हो नहीं आते हो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध क्यों नहीं पहुंचाया यार? वो जीजू एक्सीडेंट में सारा दूध बह गया। ये लो यार, हमारी साली ने दूध की नंदिया ही बहा दी आज। थैंक्स जीजू। ए छुटुंदुरी कहीं की,
तुम ना मर्द के कपड़े पहन के हमें अंदर मिलो, आज एक मर्द दूसरे मर्द से बात करेगा। ए औरंगजेब के हिलेले हाथी, ज्यादा बकवास की ना तो सूंड से ऐसा पकड़ के घुमाऊंगी ना, सीधा जाके क्वीन विक्टोरिया के गोद में गिरेगा, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, अच्छी बात है, क्वीन विक्टोरिया की गोद में गिरे हैं हम। हाँ हाँ, अच्छा फिर क्या होता है? फिर गोद टूट के बिखर जाती है। टूट गई फट गई, ऐसी बातें ही करते हैं ना आप बस। यार अच्छे खासे क्वीन विक्टोरिया की गोद में थे हम, टूटवा दी ना गोद। सपना हाँ चलो निकलते हैं यहाँ से यार, तुम्हें तुम्हारे घर तक हम लिफ्ट देते। हाँ चल चल, टाइम पास हो जाएगा तेरे साथ। अरे आ जाओ ये ना थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, 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 ये तुम तुम्हारा यहाँ पर आए जाओ। पूरा पपीता खा रही है। भूरी कब तक तुम तबेले में चारा काटती रहोगी, आओ थोड़ी सी जिंदगी काट लेते हैं। आहा। तुम्हारे साथ जिंदगी काटने से अच्छा मुझे कुत्ता काट ले। इधर कविताएं मिलाती रहना, कुत्ता काट ले चारा काट ले, ये नहीं कि थोड़ा सा रिश्ता बना ले हम। चंदू तुमको कितनी बार कहा है ये मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। पर बुरी मुझे तो तुम अनपढ़ गवार क्यूट लगती हो। अनपढ़ गवार होगे तुम, समझ में आया? मैं तो पीएचडी के सेमिनार लगती हूँ लोगों के लिए। बड़े सेमिनार लगाती तू, रेडी पे सेमिनार लगाती है, अनार लगाती है, अनार 50 के 2, 100 के 5। उस दिन तो इसके सेमिनार नाली में गिर गए थे, बाहर से आए विदेशी गोताखोर ऐसे नाली में इतने इतने घुस के अनार निकाले। झूठ बोलती है। भूरी तुम 100 के 5 अनार देती हो, अर्चना जी तो 100 के 6 देती है। चंदू तुम पूरा दिन गाड़ियों पे कपड़ा मारते हो, कभी अपने दिमाग पे भी मार लिया करो। किसी गरीब के पास नहीं हो तो किस पे मारे कपड़ा वो? ओए उसको कपड़ा मारना नहीं कहते, उसको क्लीनिंग एडवाइजर कहते हैं। चंदू कुत्ते को तुम कुत्ता बोलो या डॉगी बोलो, हिलाना उसे पूंछ ही है। इसको बड़ा पता है। पार्ट टाइम सर्कस में लंगूर ट्रेन करती है। अर्चना मैम अगर ऐसा होता ना तो अब तक इसके दोस्त को मैं ट्रेन कर चुकी होती। खबरदार अगर दिनेश के बारे में कोई बात की तो। पूरी मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हम कछुए तो हैं नहीं कि 400-500 साल तक जिएंगे, हैं तो हम इंसान ही ना। देखो थोड़ी सी उम्र मैंने निकाल दी ओए होए करके, और तुमने पत्ते खेल करके निकाल दिए, थोड़ी सी बची है, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा सेलिब्रेट, बड़ा सेलिब्रेट करने का तुम्हें शौक है ना, तुम्हारी सेलिब्रेशन में तुड़वाती हूँ। प्लीज मीट माय बॉडीगार्ड। पूरी मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हम कछुए तो हैं नहीं कि 400-500 साल तक जिएंगे, हैं तो हम इंसान ही ना। देखो थोड़ी सी उम्र मैंने निकाल दी ओए होए करके, और तुमने पत्ते खेल करके निकाल दिए, थोड़ी सी बची है, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा सेलिब्रेट, बड़ा सेलिब्रेट करने का तुम्हें शौक है ना, तुम्हारी सेलिब्रेशन में तुड़वाती हूँ। प्लीज मीट माय बॉडीगार्ड। एक मिनट, तुम्हारी मुंह दिखाई हो गई हो तो मारपीट शुरू करे। ओए मालिक का मूड खराब करते हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। मैं निकलो यहाँ से, अब मैं दोस्ती कोटे में नहीं आया हूँ, सिफारशी कोटे में आया हूँ। ओए चेक कर, तुम किसी मिन्नत कोटे पे आए होगे। तुझे बड़ा कोटे का पता है, ऐसा तो नहीं है कि रोज शाम को कोटे पे जाके तू डांस करता है? आजा, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया। आजा 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 कपूर शर्मा। हाँ एग्जैक्ट ऐसी वाली बेइज्जती चाहिए मेरे को। okay. सुपर बेइज्जती करनी है। okay. पैसे की तुमने टेंशन नहीं लेनी, वो तुम्हारे पास बहुत है। देखो कपूर शर्मा, ये देखो सोनी साहब ने मुझे यहाँ पर हेड वॉचमैन रखा है। ओ, तुझे थप्पड़ मार के बच्चे कुल्फियां छीन के ले जाते हैं, तू क्या है तेरे वॉचमैन लगेगा बे? चल हट। बहुत छीन वाली कुल्फियां ठाकुर ने अपनी, अब ठाकुर दूसरों की कुल्फी छीनेगा, जरा बता मेरे बारे में। ओए जितनी तुझे मूछे नहीं आती ना उससे ज्यादा इसके अपर लिप्स आ जाते हैं, तू आ इधर। तुम 2 मिनट मुझे भूल नहीं सकते ना, हमेशा तुम्हारे होंठों पे मेरा नाम लगा रहता है। प्याज खा के आई ना तू? कपूर तुम्हारी भाभी है, थोड़ा ध्यान से। ठाकुर चंदू ढोलकी के नाम तो मैं भी बोल सकती थी ना, अगर दिखा उसे।
दिखा आकड़ भी दिखा आकड़ दिखा आकड़ दिखा बे चल दिखा आकड़ दिखा दिखा आकड़ आकड़ दिखा इधर आ इधर आकड़ दिखा एक मिनट दिखा आकड़ यार एक मिनट यार ये तो तुम चल दिखा आकड़ दिखा आकड़ इधर यार ये लोग तुम लोग तो मेरे पे प्रेशर बना रहे हो ऐसे लग रहा है जैसे विराट कोहली 99 पे बैटिंग कर रहा है बहुत दिन हो गए थे हम सोच रहे थे विराट कोहली को बुलाएंगे आज ये जो तूने बात की है ना विराट कोहली खुद आके मारेगा तुझे देख कपूर शर्मा सोनी साहब ने ना मेरी ड्यूटी लगाई है कि अब कोई भी ढीठ आदमी अंदर नहीं आ सकता अर्चना जी देखो बोल कौन रहा है अर्चना जी देखो सुन कौन रहा है कपूर मेरी बात सुनो ठाकुर अब पहले वाला ठाकुर नहीं रहा मतलब जो पहले था उतना भी नहीं रहा मतलब बेड़ा ही गर्क हो गया नहीं 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 अरे भूरी ये तेरे में कैसा टैलेंट है यार ढंग से बता मेरे बारे में ठाकुर मेरी सुरक्षा करेगा और सोसाइटी की निगरानी रखेगा अच्छा हाँ, मैंने पसंद आया थैंक यू मिस भूरी आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस चीप पीपल या जस्ट योर जॉब वाह 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 देखो बातें कन्वर्सेशन देखो इनकी जैसे दो विदेशी जाला उतारने वाले मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं वाह क्या है मुरी तुम अब तक यहीं खड़ी हो ठीक है आहा तो ये है तुम्हारी कॉमेडी बच्चा यादव देखो मैं आ गया अरे यार ठाकुर आ गया ठाकुर आ गया अर्चना जी ठाकुर आ गया अब हमारा टीआरपी मीटर कहीं फट ना जाए आया मैं आ गया जैसे तुम IIT का एग्जाम देकर आए हो ना लोकल बस के पीछे लटक के ही तो आए हो अब जाने का क्या प्लान है भाई गए दिन वो जाने वाले बच्चा यादव वहीं से बोलो ओके क्या नाम है सोनी साहब ने मुझे यहाँ पर हेड वॉचमैन रखा है और अब कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा क्या जमाना आ गया है बाहर का आदमी हमें आके बता रहा है कि बाहर का आदमी अंदर नहीं आए और बाहर की लेडीज बात पे हंस भी रही है बच्चा पेट अंदर खींच मुझे बैंड वाले नजर नहीं आ रहे अरे अरे वाह ठाकुर साहब आए ने आप लोग को एक बात बताऊं हमारे सोसाइटी के नल में ना पानी बाद में आता है ठाकुर पहले आ जाते हैं बहुत अच्छे तमीज से बात कर ये ना कि नल में पानी आने से पहले तेरी आंखों में पानी आ जाए आप वहीं से बोल बोल बच्चा यादव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं जरूर गेट आउट जी जू प्लीज रख लो ठाकुर को अच्छा तो फिर तू निकल चल तू निकल इसको निकालो बुरी इसीलिए मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं करता क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है अच्छा मेरी बात सुनो एक काम करो इसका इंटरव्यू ले लो ओहो इंटरव्यू ले लो तुझे तो सोसाइटी में रखने से पहले इंटरव्यू हुआ था तेरा इंटरव्यू हुआ इसका कभी अंडरवियर नहीं प्रॉपर से हुआ जो भी यार कपिल शर्मा एक बात बताओ आपके नाम पर अगर शो है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोली जाओगे ये क्या मतलब इंटरव्यू अंडरवियर कोई बात नहीं बनी मुझे तो हंसी आई किसी को हंसी नहीं आई मुझे तो बहुत आई ओए मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा मेन मेन बंदों की बात कर रहा हूँ और मेन बंदे तुम्हें हंसी आई लो ए ठाकुर साहब पहले ये बताओ कि हमारे मोहल्ले के लिए तुम करोगे क्या मैं ये देखो तुम्हारे मोहल्ले में जो ड्रैगन फ्रूट पड़ा है इसके अंदर से कभी अगर ड्रैगन बाहर आ गया तो मैं सारे मोहल्ले की सुरक्षा करूंगा तो टेंशन मत ले ड्रैगन बाहर आएगा ना मैं उसकी मसाज कर देगी वो वापस अंदर घुस जाएगा तू जा तुम जैसे लोगों की वजह से ना हिंदुस्तान में ड्रैगन वाली फिल्में नहीं बन रही हैं ये आज भी खुश हैं कि बस गंगाधर शक्ति मानो ओए ओ बंद दरवाजा और वीराना जैसी फिल्मों को देखकर बड़े हुए इंसान वीराना तो हमने भी देखी है क्या प्रॉब्लम है वीराना में भाई बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है वीराना आराम से पूछा करो सारा शरीर लेकर इधर आ जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छी फिल्म है वीराना फिर मैंने कब बोला अच्छी फिल्म फिर मैं तो बंद दरवाजा की बात कर रहा था बंद दरवाजा मैंने देखी है
मैंने देखी, क्या प्रॉब्लम है बंद दरवाजा में? बोल। देखो बंद दरवाजा भी बहुत अच्छी थी, मैंने कोई बुरी थोड़ी कहा, बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत अच्छी। एक बात बताओ, आप लोग दोनों ने पापी गुड़िया फिल्म देखी है? पापी गुड़िया नहीं, 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 ये नहीं, 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 नहीं। ओए पापी गुड़िया फिल्म देखकर पड़े हुए। देखिए पापी गुड़िया, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है पापी गुड़िया, बताओ। बहुत बढ़िया फिल्म थी, ऑस्कर मिलना चाहिए था उसको। वो तो इसके देखने का नजरिया बड़ा गंदा है, इंटरपोल होता है, सुसु करने चला जाता है। देखो चुड़ैलों को सीढ़ियां मारता है ये। नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पूरी सोसाइटी की सुरक्षा करूंगा चारों तरफ से, तीन कुत्ते मैं घर से लेके आऊंगा। ए, चारों तरफ की सुरक्षा करेगा तीन कुत्तों के साथ? हाँ तो चौथा तो ऑलरेडी है ना। इधर आ जरा, पांच मिनट से मैं उधर चुप करके बैठा हूँ, मुझसे बात नहीं बन रही, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे लव के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकलेगा, मेरी तरफ से ठाकुर के लिए हाँ है। हाँ। इसके पैदा होने से पहले ही मेरी तरफ से ना है। आप बोलो। हाँ और मेरी तरफ से भी ना है, आप बंबई नहीं आ सकती। मैं इधर इंडियन आइडल का ऑडिशन देने आया हूँ, फिर मुंबई नहीं आ सकता। मैं नहीं जाऊंगा कप्पू, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं तेरा बाबुल हूँ। तू मेरी बहू है, नहीं छोड़ के जाऊ, जा छोड़ के जा, टाइम पे जा। तो ठीक है फिर, अगर किसी ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की ना तो तुम्हारा ये ड्रैगन फ्रूट आज फोड़ दूंगा। फट जाएगा, नीचे रख। ओए नीचे, चल ठीक है। ओए इधर, और महंगा कस्टम पड़ती है इस पे, इधर। देख यार कपिल, मैं भी तेरा दोस्त हूँ यार। दोस्तों हाँ, भूल जाओ ये मेरा दोस्त है। अर्चना जी, पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने अलग अलग क्षेत्रों में काफी तरक्की की है, और इनमें से एक है स्पोर्ट्स। आज बहुत सारे खेलों में हमारे खिलाड़ी जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर छाए हुए हैं, और उन्हीं में से तीन हैं आज के हमारे खास मेहमान। तो मैं यहां इनवाइट करने जा रहा हूं इंडिया के चैंपियन रेसलर्स पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी और पद्मश्री साक्षी मलिक और इंडिया की नंबर वन महिला टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। जोरदार तालियां। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बाप रे धन्यवाद, थैंक यू। बस ठीक है, आप कैसी हैं? ये दोनों पहलवानों से तो हाथ मिलाते मुझे डर लग रहा था कि ऐसे करके ऐसे ना कर दें। मनिका आपसे थोड़ा डर मुझे कम लगा। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे देश का गौरव है आप, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी याददाश्त थोड़ा और ताजा कर दूं कि योगेश्वर जो है 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस तरह ये ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। और मनिका पहली इंडियन महिला प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आपको बहुत बहुत बधाई। पाजी क्या मतलब, मैंने आपको हमेशा ही ना पहलवानों वाले कपड़ों में देखा है, आज आपको सूट बूट में देखा ना, शर्ट तो देखो फट रही है ऐसे, मतलब बंदे की बॉडी देखो कितना। आपने मौका ही आज दिया दिखने का। पाजी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते ना, हमें लग रहा है आप हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप तीनों को यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप साक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छी जी, मुझे लोग कई कई बार बोलते हैं कि आपके शो में जो महिला जो आती हैं सेलिब्रिटीज, तो आप उनसे फ्लर्ट किया करें। मैं ना वो हम वैसे ही करते हैं साक्षी, मेरी बहन। हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे घुटने में सर दे के हमारा खोपड़ खोल दे। तो साक्षी आप स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हैं? हाँ मैं स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हूँ। अच्छा, मैंने सेवेंथ स्टैंडर्ड से शुरू किया था। वाओ,
तो स्कूल में कभी आपकी सहेलियां बोलती नहीं थी मेरा उससे लफड़ा होगा, पीट दे उसको, ऐसे ऐसे कभी ऑफर आई? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे मेरा नेचर बहुत शांत है, मैं कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती। शांति तो ये कभी मत सोचना आप लोग कि रेसलिंग वाले बाहर भी मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, आप तो ऐसे ही रहें, शांति रहें आप। रेसलिंग की बात चल रही तो योगेश्वर के घर में उनके मम्मी पापा दादा दादी सब टीचर हैं, योगेश्वर है अकेले पहलवान निकले, तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मार कुटाई में ध्यान था क्यों योगेश्वर? कैसे मतलब आपका पहलवानी में आना कैसे हुआ? देखो जिस गांव से मैं आता हूँ उसमें तकरीबन हर घर में कोई ना कोई पहलवानी करता है। अच्छा जी, मेरे गांव में बलराज पहलवान थे, उनका काफी नाम था, उनका नाम सुन के ये था, मैं वैसे तो खेलने गया था पर उनका फिर नाम सुना कि बलराज पहलवान में बहुत बड़े, मेरे को ये था कि बड़ा पहलवान बनना है, मेरे को मतलब बड़ा कैसे होता है, तगड़ा होता है, वेट कैसे होता है, मेरे को नहीं पता था। लिंडर पेश का जब ब्रॉन्ज मेडल आया तब मेरे मन में आया कि मेरे को ओलंपिक मेडल जीतना है। अच्छा जी, वाओ, 96 में आया था। क्या बात है, मैंने देखा ही ब्रॉन्ज मेडल था इसलिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल की सोची। अच्छा, इसमें लिंडर पेश की गलती है, अगर वो गोल्ड जीते तो शायद मैं गोल्ड ही सोचता, मैं गोल्ड जीत। अभी वो बिंद्रा का गोल्ड आया वो 2012 में आया, वो शायद अगर क्षण में आता तो मैं शायद गोल्ड जीतता। इसलिए आप सभी से ये कि आप अपना मकसद बड़ा बनाइए, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने। मनिका के बारे में बता दूं कि ये भी बचपन से ही टेबल टेनिस खेल रही है, आई थिंक 4 years, 4 साल की उम्र में। yes. तो उस समय कैसे टेबल पे चढ़ के खेलती थी क्या? कि पापा गोद में उठा के खिलाते थे, कैसे खेलती थी आप? नहीं एक्चुअली तब हमारे जब टाइनी टॉड्स होता है एक इवेंट, तब हमारे लिए छोटी टेबल होती है। oh. अच्छा, बच्चों वाली? यस, मतलब बच्चों वाली नहीं, इतनी टेबल होती है उस पे। बच्चों वाली होगी इतनी टेबल। तो उस पे प्रैक्टिस करती थी आप? उस पे मैचेस होते थे। अच्छा, टाइनी टॉड्स के। फिर धीरे धीरे जब कैडेट सब जूनियर तब होता था तब बड़ी टेबल पे खेलते थे। अच्छा जी, वाओ, आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि साक्षी जो है इनकी शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी रेसलर ही हैं। इसमें कोई वैसे हैरान होने वाली बात नहीं, एक पहलवान का हाथ पहलवान ही पकड़ सकता है। तो इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पेंट आपने पहनी है ये डिजाइन ही ऐसा कि आपके घुटना इतना मजबूत है कि फट गई है? आज ये ज्यादा मेहनत करने से है ना, हमारी थाई मोटी होगी तो ये फंसी ही नहीं। मैं जैसे ही पहनने लगा ये फट गई। बहुत बहुत हैंडसम है आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, मुबारक हो आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू। अच्छा, आपकी जब शादी हुई साक्षी तो 7 फेरे हुए थे कि दंगल हुआ था? नॉर्मल शादी जैसी ही शादी हुई थी। अच्छा, 7 फेरे हुए थे पूरे। तो आपकी शादी में तो बड़े पहलवान, खाना ही बड़ा लगा होगा आपका तो, है ना? कितने पहलवान आए होंगे? तो आप मतलब लव मैरिज हुई आपकी, अरेंज मैरिज? दोनों ही लगा लो। कंफ्यूज्ड? नहीं, दोनों ही है। घर वालों, पहले हमारी बातचीत थी, हम सेम स्पोर्ट्स में हैं तो। अच्छा जी। तो साथ में बाहर कॉम्पिटिशन्स जाते थे, बातचीत हुई, फिर घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश थे। चलिए, बहुत अच्छी जोड़ी आपकी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। योगेश्वर, एक तो आप पहलवान, ऊपर से हरियाणा पुलिस में DSP हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मुजरिम मिले उसे हथकड़ी लगा के कोर्ट में ले जाओगे कि लंगोट पहना के मैदान में लेके आओगे? उसको खबर लंगोट तो बंदवाएंगे पर दोनों काम जरूर कर लेंगे, थोड़ी कुश्ती भी कर सकते हैं क्योंकि पुलिस में है तो पुलिस का काम भी करेंगे, पर उसको दिखाएंगे कि किसी पहलवान से और वो भी DSP दोनों एक साथ है, उसको अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी जिससे आगे वो गलती ना करे। थोड़ी दिखाना, आपकी थोड़ी भी काफी होती है। मनिका, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आप आपके लेवल पे, जिस लेवल पे आप खेल रही हैं, फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर हैं तो आप लड़की, ऊपर से दिल्ली की, तो जब कभी सड़क पे जाते हो गोलगप्पे वाली रेहड़ी देखती हैं कंट्रोल कर लेती हैं कि उतर के बोलती भैया बनाओ ना एक तीखा, ऐसे होता है? ऑनेस्टली नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है? यस। और ये रेहड़ी वाले को ज्यादा अच्छी लगती है ना? हां। कभी आप 5-star होटल में खाओ उसका इतना मजा नहीं आता, वो जो ऐसे 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 पूरा शुक्र है चैनल ने मुझे शो दे दिया, नहीं तो मेरा आइडिया तो था उधर। कस्टमर्स की जो वैरायटी बड़ी अच्छी है, मतलब हर तरह की लेडीज आती हैं आपके पास, लड़कियां आती, महिलाएं आती गोलगप्पे खाने। ऑनेस्ट टू मैं। अच्छा, योगेश्वर जो है ना वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं इन्होंने कभी किसी को प्रपोज किया होगा। किया भी होगा तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी मिसिज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है।
पर वैसे ही योगेश्वर, आपके जो फैंस हैं आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं कभी ऐसा हुआ कि किसी फीमेल फैन ने आपको कहा हो कि योगेश्वर योगी मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे अपनी बलशाली भुजाओं में कैद कर लो, हैं कभी है? देखिए, एक तो आपने बताया पहलवान वैसे तो बहुत शांत होते हैं, हाँ जी, पर पब्लिक की उसमें कहीं छवि है कि पता नहीं कैसे स्वभाव होगा, कैसा गुस्सेल होगा जी। पर सच्चाई है किसी ने बोला नहीं ऐसे, हमें कोई ऐसा मौका कभी आया नहीं ना, अच्छा जी। ना हमने किसी को बोला ना किसी ने हमको बोला। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम से कहाँ मुलाकात हुई फिर आपकी पहली बार? हरियाणा में, सोनीपत। हरियाणा में? तो पहले आपने उनको पसंद किया था कि उन्होंने आपको पसंद किया था? पसंद तो घरवालों ने किया था। अच्छा जी, वाह। शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश्वर वर्ल्ड फेमस रेसलर है और आपके पति हैं, मुबारक हो, अच्छा मिल गया आपको। आजकल मार्केट में अच्छा कम ही आ रहा है सामान। तो आपको पता था शादी जब आपकी हुई या होने वाली थी या रिश्ते की बात चली, आपको पता था ये देश के लिए खेलते हैं? हाँ जी, ये अच्छा मेरे पापा के। तभी तो शादी हो, मना नहीं कर देती। तो क्या आपके पापा क्या कहते फेवरेट? आपके पापा के फेवरेट, उनको शौक होगा कुश्ती का? हाँ जी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो। वाओ। हाँ जी, तो इतना नहीं था कि मैं मैच देखती थी इनके। अच्छा जी। लेकिन मेरे पापा जी जबरदस्ती बैठा के दिखाते थे। अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया। साक्षी, ऐसा सुना है कि हमने आपको शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते वक्त, अब लड़कों के साथ भी खेलती थी, लड़कों के साथ कुश्ती करती थी, तो आपको ज्यादा लड़कों को पीटने में मजा आता था कि उनको पिटने में मजा आता था? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे लड़कियां नहीं होती थी इतनी। अच्छा, रेसलिंग में तो लड़कों के साथ इसीलिए करना पड़ता था। अभी तो काफी लड़कियां हैं जी, तो बस ये था कि लड़कों के साथ ज्यादा ताकत लगती है तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा जल्दी आएगी, और लड़कियां हमारे लेवल की हैं तो आगे बढ़ने के लिए ताकत से ज्यादा के साथ ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा ताकतवर हो गए। तो क्या बात है, मैं आपको ये बता दूं कि योगेश्वर और साक्षी दोनों की शादी 2017 में हुई है, तो ये मुहूर्त अच्छा था कि पहलवानों को डिस्काउंट मिल रहा था क्या? एक ही है नहीं उस टाइम पे, पता नहीं डिस्काउंट था मुहूर्त था तकरीबन, पर उसी टाइम में शादी की थी। क्या बात है, पर बड़ी अच्छी जोड़ी है आपकी दोनों की, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मनिका, आपका कोई प्लान है अभी? अभी तो कोई नहीं है, अभी देखते हैं, आप कोई ढूंढ दो। आपको मुझे लगता है इतनी हाइट वाला लड़का अभी तक मिला नहीं होगा कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ पर शौक नहीं है अभी शादी का। हाँ। करना ही मत, खेलना है अभी। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन अच्छा लगता है, मेहमान आए रहते हैं, जब सभी खा पी के निकल जाते हैं ना, फिर जब बिल वाले आते हैं ना कि उसका टेंट वाले का इतना, उस समय बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वेरी गुड, आपकी वाइफ देख रही होंगी, काट देना ये फिर। लेकिन मैंने कहा, हमने सुना है कि आपको मॉडलिंग के बड़े सारे ऑफर आते रहते हैं। आए थे पहले, बट मेरे को बस गेम फोकस करना था तो इसलिए। बड़ी अच्छी बात है, बट मुझे शौक है। इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, क्या बात है। हेलो जी योगेश्वर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हेलो मनिका जी, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो साक्षी जी, कैसी हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। आपको मैं ना तीनों को हैंड सैनिटाइजर दूंगा, आप थोड़े हाथ साफ कर लेना। तेरे को कितनी बार कहा जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आया करो। शुक्र है अर्चना जी, जब मैं पैदा हुआ तब ये नहीं थे वहां पे। मुझे एक बार बताओ, मैं क्या नई नवेली दुल्हन हूँ जो आपने शगुन लेकर मेरी मुंह दिखाई करनी है? तो जिस भी भगवान को मानता है उसको साक्षी मान के बता, इस मुंह पे मुंह दिखाई बनती है? बात तो वैसे आपने ठीक कही है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। हाँ। कि अगर मैं ये मुंह लेकर ओलंपिक चला जाऊं तो मेरा तो ये मुंह देखकर उन्होंने गोल्ड मेडल दे देना है। शनिवार को तू बाहर डब्बा लेके जाए, तुझे कोई तेल ना दे और गोल्ड मेडल मिलेगा। इधर निकाल लेते हैं, बाहर जाकर हमने तेल ही मांगना फिर। कपू शर्मा, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, ये नहीं कि सामने भजिया भजिए रखो आप। फ्रूट्स रखे तो हैं। ओह, फ्रूट्स रखे तो हैं। अनानास देखो, सत्यानास लग रहा है। इतने डिफिकल्ट फ्रूट अर्चना जी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट, कौन सा सेलिब्रिटी जो घर से प्लेट और चक्कू लेकर आएगा फिर उसको काटेगा,
फिर वो खाएगा, फिर बार में शो शुरू होगा। तू बढ़िया आज फ्रूट की बातें कर रहा है बे। गली सड़ी सब्जी खाने वाले। तू बता दे तेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वो रख लेते हैं। मेरा चोरी का फेवरेट फ्रूट है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा फ्रूट खाता नहीं क्योंकि बाद में आदत पड़ जाती है। कल मैंने तेरे को देखा तू गन्ना खा रहा था। वो तो पौष्टिक होता है गन्ना, इसलिए खा रहा था मैं। नहीं नहीं तो ये पीठ पे गन्ना कौन खाता है, मैंने पीठ पे खाते हुए देखा। मैं सर आपको बताता हूँ, वो चक्कर ये था कि जब मैं गन्ना खा रहा था ना, जिसका गन्ना था ना उसने देख लिया, तो जब उसने देखा तो मुझे पता चल गया भी इसने देख लिया है। फिर मैंने सोचा अगर मैं पहला गन्ना खा सकता हूँ तो दूसरा खाने में क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने खा लिया, लेकिन मैंने ज्यादा माना नहीं, बस एक डेढ़ घंटे इधर टैटू बना था मेरे, वो खत्म हो गया। अच्छा खाने से वैसे बात याद आई, सर बादाम वगैरह तो आप खाते होंगे, जाहिर सी बात है आप प्लेयर हैं ना, तो जब आप देश विदेश जाते हैं तो बादाम किसकी कस्टडी में होते हैं? पहले एक बात बताओ, अभी चाय वाले हो या हलवाई हो? तेरे शर्म नहीं आती? मेहमान आए उनसे पूछ रहा है बादाम कहाँ से मिलेंगे। यार मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वैसे जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। बादाम खाने की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो रोज बादाम छील के खाता हूँ। बादाम छील के नहीं खाता है, बादाम के छिलके खाता है ये। सर मैडम मुझे लगता है फिर इनकी नॉलेज कम है, क्योंकि सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो सारे पौष्टिक तत्व हैं, रफेज है, वो तो सारी छिलके में होती है क्या? नहीं मौसम्मी का छिलका खा लो आप, संतरे का छिलका खा लो, हाँ नारियल का थोड़ा टफ होता है। उसकी फिर हम सेवइयां बना लेते हैं दूध में डाल के। इसके ऐसी हरकतें ना बिलीव नहीं करो। एक दिन तो अंगूर होता ना, उसको उसने कटोरी में भिगो के रखा, कहता जब बड़ा होकर तरबूज बन जाएंगे ना सारी फैमिली खाएंगे। एक दिन तो हद ही कर दी उसने। रद्दी वाले को जाके बोलता मेरे पास ना बहुत सारे केले के रैपर पड़े हैं, आपको चाहिए? उसने फिर उल्टे हाथ का रैपर दिया इसको। तो फिर मैं ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो बात तो मैंने बताई नहीं तेरी। कौन सी? वही जो केले के छिलके का इसने कच्चा बनाया हुआ है। हाँ बना के पहन तो लिया, बाद में फिसलता फिसलता जाए। मैच देखने गया, ऑडियंस में से फिसल के सीधा पिच पे, उन्होंने फिर बल्ला घुमा के मारा इसको। खैर सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है मैं भी पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, वो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ता ना मेरी बॉडी बिल्कुल आपके जैसी होनी थी। ये छोड़ी नहीं है, इससे छुड़वाई गई एक्सरसाइज। ये जिम में जाता था, किसी पहलवान को प्रोटीन पीते पकड़ा गया, उन्होंने फिर प्रोटीन तो छीना, इसका हीमोग्लोबिन चूस के निकाला। मुझे एक बात बताओ आप, हाँ। पिछले एपिसोड में मैं गाड़ी में कपड़ा मार रहा था, हाँ। इस एपिसोड में मैं प्रोटीन चुरा रहा हूँ, हाँ। भाई मुझे एक काम बताओ मैं करता क्या हूँ? आगे जाकर पोस्ट के लिए मैंने अपना रिज्यूमे देना होता है। कौन सा रिज्यूमे तेरा बे? रिज्यूमे देना होता है? वाह बायोडाटा देख लो इसका। लिखा मेरा नाम चंदू है, मैं पंजाब से आया हूँ, मेरे गांव में सूखा पड़ा है, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं, प्लीज हेल्प मी। ये तेरा रिज्यूमे? शर्म नहीं आती तुझे? ये बैंगलोर वाले ऑफिस की फाइल है, आपने गलत ले ली, ये रिज्यूमे नहीं है। अच्छा वैसे मैं कपूर शर्मा आपको एक बात बताऊं, एक स्पोर्ट्समैन के सामने दूसरे स्पोर्ट्समैन की आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तू कहां से स्पोर्ट्समैन मतलब? तेरा मुंह गेंद जैसा है इसका मतलब? हम खानदानी सर स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा हाँ मतलब मेरे दादाजी, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपने गामा पहलवान का नाम सुना है? आपके दादा थे? नहीं नहीं मेरे दादा ही नहीं थे वो सर, वो जो गामा पहलवान थे ना, जैसे वो अपने पीठ पे ऐसे कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे ना, मेरे दादाजी भी कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे। पूरा पूरा बता, सारी बात बताया कर। गामा पहलवान बछड़ा उठाते थे, इसका दादा बछड़ा तो उठाता उठाता था, साथ में बछड़े का चारा, उसकी बाल्टी। एक बार बछड़े के बाप ने देख लिया। उसने फिर इसके दादा को उठाया, सीधा नेपाल बॉर्डर पे जाके छोड़ा इसको। हाँ तो सिंगो पर इनके दादाजी बैठे थे जो नेविगेट कर रहे थे नेपाल के, आधा इधर जाना आधा इधर जाना आधा इधर जाना है। खैर योगेश्वर सर आपको मैं सीरियसली बताता हूँ, वो जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी ना, वो मेरे दादाजी ने जारी की थी। वो मैं बताता हूँ कैसे थी। इसका दादा क्या करता था ना, पहलवान जब लंगोट बदलते थे ना तो उनको छुप छुप के बोलता था शेम 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 शेम। तो पहलवानों ने सलाह की, बोलते थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, इसको फ्री स्टाइल पीटो इसको।
तब इसके दादा ने फ्री स्टाइल याद की। तेरे को शर्म नहीं आती? बकवास करता है सर। 12 लोगों से पिटकर अपने पांव पे खड़े होकर घर जाकर दूध का गिलास पीकर डकार मारने के बाद बंदा बोले वो कोई सूरमा ही होगा कि नहीं? जोरदार तालियां। आप इनके घर जा रहे हो ना, किससे पूछ लो, सब बता देंगे। पूछ लो मुफ्त खोरों का घर कहाँ है। ये तो इतने मुफ्त के शौकीन है ना, मुफ्त में इनको टाइफाइड मिल रहा हो वो भी ले लेते हैं। देखो कपूर शर्मा, ये हेल्थ की बातें हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी। आप यही काम करो जो कर रहे हो। अच्छा हाँ, अगर ये काम मुझे दो ना आप आधे घंटे के लिए। आ जा आधे घंटे के, आ जा। ये बातें करनी है आसान, चल बैठ इधर, बैठ बैठ। प्रेस करके मैंने पैंट पहनी है। ये काम तुझे करना है, तुझे पता है तेरे जैसे आदमी ना योगेश्वर ने मालिश के लिए रखे हुए हैं। तो सोचो जिसकी मालिश की हुए बंदे ओलंपिक जीत रहे हैं, वो बंदा क्या होगा। एक बात है, बड़ी बातें कर रहा है। ओलंपिक का मैच देखा तूने कभी? मैंने देखा, सारे मैच देखे मैंने इनके। ओ दाल कटोरा जो स्टेडियम है, दाल कटोरा स्टेडियम। दाल कटोरा नहीं बे, ताल कटोरा। वो तभी मैं कहूं मैं कटोरा लेके बैठा हूँ, दाल कोई देने नहीं आ रहा। गलती हो गई, कभी कभी नहीं पता चलता जोश जोश में। मैं फैन था ना आपका, जोश जोश में चला गया। फैन था फिर ध्यान वो दाल पे ही था। गरीब बंदे का ध्यान दाल पे होता सर, चिकन पे तो आप जैसों का ध्यान होता है। खैर मेरा सवाल सर, सबसे पहले बहुत बहुत पहले एटीट्यूड से बैठ। इंटरव्यू थोड़ा थोड़ा लगे तो सही, इंटरव्यू ले रहा है मिस्टर कपिल शर्मा। ओए मेरी बात सुन, सोनी चैनल का मालिक नहीं तू? चलो अच्छी अच्छी बातें पूछो उनसे। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैम आपका। हो चुका स्वागत उनका, कब से आए हुए वो, सब बीच में से शुरू करना। सो सो क्या होता है, बोल तो हिंदी बोल। यार इधर आओ पहले, उधर जाओ। सो उधर जाओ। सो योगेश्वर जी उधर देख। खैर सो योगेश्वर जी, आपने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी हैं, देश विदेश भी गए हैं, जीती भी बहुत सारी कुश्तियां आपने। तो जाहिर सी बात है फिर शाम को आप घूमने भी जाते होंगे देश विदेश। तो जब घूमने जाते हैं तो रोड्स पे जो बैगर भीख मांगते हैं गिटार बजाकर, कितने की इनकम हो जाती है उनकी? ये क्या, उधर वो भिखारियों का गला चेक करते हैं तो उनके काम का सवाल पूछ, खेल से रिलेटेड को सवाल पूछ। ऐसे कहो ना फिर, बदतमीज आदमी। सवाल ऐसे पूछना ठीक है? नो जी सर, आपका जवाब। आपका ये काम इंडिया में सही है, वहाँ पे कम मिलती है बार। उधर इस चक्कर में विदेश में मत ले जाना, उधर पकड़ा जाऊंगा मैं। नहीं कुछ मिलेगा नहीं ना, कटोरा ही कटोरा होगा हाथ में। खैर मेरा नेक्स्ट सवाल साक्षी जी से। साक्षी जी, वो जो गिटार बजाकर भीख मांगते हैं, गिटार उनके खुद की होती है, रेंट की होती है उन्होंने? तू इंटरव्यू करने आया क्या, पैसे मांगने आया? ढंग की बात कर कोई। यार मैं इधर बैगर्स पे पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ पीएच इसका हो गया, इसकी डी रहती है, तेरी डी मैंने सुजानी मार मार के। तो सही सी बात कर, लास्ट चांस है तेरे पास, चल। नो प्रॉब्लम। खैर मनिका जी, आपके सारे मैचेस मैंने देखे हैं, टीटी के टेबल टेनिस, क्या कमाल की प्लेयर हैं आप। थैंक यू। तो जब आप मैच खेलती हैं तो मैच खेलने के बाद टेबल तो फ्री हो जाता होगा ना? तुझे कपड़ा मारना है उस पर? नहीं नहीं प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। तो जो टेबल फ्री हो जाता है उस टेबल पर बैठकर अगर वो गिटार वाला मांगे तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे उसको। आज मुझे तुझे सम्मानित करना है। यार मेरी बात, मेरी बात, चल मेरी बात, चल। तीन सवाल आए तेरे, तीनों में तू भीख मांगने की बात कर रहा है। इसको तो ऐसे बात जैसे हम भी ठेकेदार है वो भिखारियों के। खैर सर, आप क्या लेंगे? आप चाय वगैरह लेंगे सर? चाय का काम अभी चालू है। हाँ जी चाय का काम।
थैंक यू सर, आपको ये याद है। देखो मेरे कितने बड़े फैन है, जोरदार तालियां चंदू के लिए। मैं सर आपके लिए जा रही हूँ। ओके मैम, बाय बाय। ओके साक्षी जी, बाय बाय। मनिका की मम्मी और बुआ जी भी आई। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, आपकी बेटी इतनी लायक निकली है, देश का नाम रोशन कर रही है। थैंक यू सो मच। तो आपकी एक बेटी है जी, और भी है? नहीं, एक बेटी और भी है। दो बेटियां खेलती आपकी? थी। हाँ जी, हाँ जी, वो भी खेलती है। हाँ, वो अब शादी हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करती है। अरे वाह। तो मैम एक बात है, अगर घर में बेटी हो, खूबसूरत बेटी हो, ऊपर से इतना नाम रोशन किया देश के लिए, आपको तो रिश्ते बड़े आते होंगे कि नहीं? आते हैं? नहीं आते हैं, पर हम आने नहीं देते अभी। अच्छा जी। मतलब आप अभी अभी मन नहीं है अभी कि अभी बेटी को खेलने दो देश के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है। तो लड़का जब ढूंढेंगे आप, वो भी खेलने वाला स्पोर्ट्समैन चाहिए कोई? देखो टाइम बताएगा। नहीं, हमारा मैरिज ब्यूरो भी है, तो अगर आप मुझे क्यों, आपके पास कोई है रिश्ता क्या? हाँ जी, मतलब हमें काफी ऐसे मिलते रहते हैं लोग। चलो टच में रहूंगी, आपसे पूछती रहूंगी। चलिए ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। कपिल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी मैम, प्लीज। सबसे पहले तो देश के सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से सैल्यूट। क्या बात। चार लाइनें सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। मनिका में तो मनी छिपा था, चमक तो उसकी होनी थी, तेरे कारण टेबल टेनिस की पहचान तो एक दिन होनी थी। वाह। देश के लिए खेलकर देश की शान बढ़ाते हैं, कपिल को भी कम ना समझो जो पूरे देश को हंसाते। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कपिल जी, आपसे मेरा एक सवाल था। जी मैम। आपने कभी सोचा था आपके शो में कभी मनिका की बुआ भी आएंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था जी, हमारा सौभाग्य है आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। योगेश्वर, आपके फैंस के ना कुछ ऐसे फरमाइशें थी, बोलते कि एक तो आप पहलवान तो हैं ही, आप डीएसपी हैं, तो आपके लिए एक डायलॉग उन्होंने दिया था कि अगर योगेश्वर हमें बोल के दिखाएं तो डायलॉग ये है कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये तो डायलॉग सनी देओल का है, मेरा कहूँ सनी देओल का है, पर मैं तो चाहते हैं आपकी आवाज में सुने। अच्छा, इनको इतना पता है कि सनी देओल का डायलॉग? वाह क्या बात है। फिल्में 2-3 नहीं देखी हैं आपने? टीवी पे तो बहुत सारी देखी हैं। टीवी पे फिल्म नहीं छोड़ते हैं, ऑल पे कम देखते हैं। अच्छा, मेरी भी आ रही टीवी पे अभी वापस। वो देखी थी आपकी, वो 3-4 हीरोइन होती है उसमें। वैसे फिल्म ही होगी ना वो देखी थी आपने? हाँ देखी थी। किस किस को प्यार करूँ? हाँ वही 4 बीमे वाली। चार थी या ज्यादा थी? 4 थी। अब तो वैसे एक ही होगी ना, वैसे तो पर्सनल दो। वो तो फिल्मों में होता है नी, 4-4, असल में तो एक ही बहुत संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी। तो योगेश्वर, आपके फैंस चाहते कि ये डायलॉग मैं आपको दूं कि ये 2.5 किलो का हाथ है गातिया, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। देख के बोलना है वैसे। देख के बोल दो आप, ये लो। कातिया बोलना है, कपिल बोलना है? जो आपका मन करे। कपिल बोल देंगे। हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, ये नहीं, ये हाँ। ये तो उंगली होगी। ये 2.5 किलो का था कपिल। हाँ। जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। वाह, ऐसे नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारे पहलवान साहब, ऐसी बात नहीं है। ये परीक्षा लेते हैं जानबूझ के, बड़े चलाक है हमारे दर्शक। साक्षी, वहां पे आपके लिए भी एक डायलॉग है। हमारा नाम से कुसुम सांगवानरिया, मैं रिसेंटली पिंकी, हम रामदास कॉलेज दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल की एथलीट हूँ, जिला जज्जर, 12-45 दिवस सादर, फोन नंबर मैं दूँ कौन है। अरे क्या बात है। वाओ, क्या बोला है ना? मतलब इतने फ्लो में तो कंगना ने भी नहीं बोला था फिल्म में। मनिका, आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा क्यूट डायलॉग है, और जिन्होंने ये बोला है वो भी बहुत अच्छी है। <laughs> <laughs>
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी मुझे लगता कह रही कि मैंने भी वोट डाली है, आप भी वोट जरूर डालें। पर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अरे मेरे लिए नहीं, सबसे पहले इनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। आपको मालूम है जब भी हम लोग के इधर गेस्ट लोग आते हैं ना, मैं ऐसा हाथ जोड़ के नमस्ते करती है, लेकिन आप लोगों के लिए ना हाथ खोल के पुशअप मारी। कैसे कर लेते आप? हम तो एक दो में। योगेश्वर जी कैसे? बढ़िया जी। घर पे सब पुशअप दंगल? कुशल मंगल होता है। नहीं वो पहलवान लोग हैं ना, उनके घर पे पुशअप दंगल ही रहते हैं। अभी हम लोग के घर पे हम लोग पार्टी वीटी करते तो गजल नाइट रखते, ये लोग दंगल नाइट रखते मालूम है। दंगल नाइट क्या होती है सबरा? दंगल नाइट में कैसे सिंगर लोग को बुलाते है, उनको हारमोनियम देते है और वो लोग लंगोट पहन के गाना गाते है। और इनके डर से रुकते भी नहीं, गाना ही पढ़ते हैं उन लोग को। अच्छा मेरे को आप लोग से एक सवाल था, मतलब आप लोग ये लाइन में कैसे आ गए आप लोग? नहीं सच्ची में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इनके बहुत रिश्तेदार लोग हैं। इनके कौन से रिश्तेदार हैं? अभी साक्षी मलिक के अनु मलिक, अरमान मलिक भाई लोग हैं। और ये मनिका बत्रा भी, पूजा बत्रा जो मॉडल है इनकी बहनी लगती है एकदम। और योगेश्वर दत्त जी, ये तो पक्का संजय दत्त के भांजे रहेंगे। हाँ सच्ची में, और भांजे लोग तो मार्केट में आजकल कमाल भी कर रहे ले। तो मतलब अर्चना पूरन सिंह विजेंद्र सिंह की रिश्तेदार हुई? कुछ भी बोलते हैं तू। इनका एक ही भाई है बिंदु दारा सिंह। अच्छा सर मेरे को ना आप लोग को सजेशन देने का था, मतलब आप लोग जब ऐसा कुश्ती विश्ती लड़ते है ना तो मतलब ऐसा रिंग के अंदर आप लोग मच्छरदानी यूज किया करो। मच्छरदानी क्यों लगाएंगे भी? अरे मैं इन लोग को देखिए कुश्ती लड़ते ना ऐसे ऐसे करके मच्छर ही मारते रहते पहले। ऐसा ऐसा करते। अरे वो इनका स्टाइल होता है, दाव होता है ऐसे ललकारते। अच्छा दाव रहता है? हाँ। ओ तो शिखर धवन को आप ही लोग ने दाव सिखाई ले। मैं देखिए कप्पू सच्ची में वो जब भी कैच पकड़ता है ना ऐसा करके ऐसा ऐसा करता है। अरे मेरे को अभी दिमाग में वो एम्पायर को बोलता रहेगा, उसको हुल देता रहेगा, बोलता रहेगा आउट बॉल वरना दो दो हाथ हो जाए तेरे साथ में। लेकिन सच्ची बोलू कप्पू, क्या मेरे को ना एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? ये पहलवान लोग ना थोड़े बेवफा रहते रे। ए, कैसी बातें कर रही तू? हाँ सच्ची में मैं देखिए ये क्या करते, रिंग के अंदर खुद दोस्ती का ऐसे हाथ बढ़ाते, फिर सामने वाला बढ़ाता है तो उसको पटक देते हैं लोग। साक्षी जी मेरे को आपको पूछने का था, मतलब इतना घी दूध पीते इतना बॉडी बना ले, आप कैजुअल मत लो चीजों को। सच्ची बोलती मैं खुद देखी रिंग में जब ये लड़ती खुले आम एक आदमी सामने खड़ा रहकर इनको सीटी बजाते रहते, कितनी गलत बात है। बहुत गलत लगा मेरे को। अरे वो अरे उसको उठा के पटकने का, मैं सच्ची कैसे पटकने का बोलूं? सुन ये तो फिर भी लड़की है चलता है, योगेश्वर दत्त को सीटी मारने का ऐसा कैसे चलता है रे? वो मैच में रेफरी होता है। रेफरी? हाँ हाँ, तो जो फ्री होगा वो यही सब काम करेगा मेरे को मालूम है। खैर मैंने तेरे लिए कुछ लाई लिए कप्पू। क्या लाई लिए? मैं नाला सुपारा में शॉपिंग पे गई ली थी। मैं तेरे लिए नाइट सूट लाई है, मेरा भाई ये इतना प्यार करती है मैं तेरे। थैंक यू। ये ले तेरा नाइट सूट। ये तो पेटीकोट है। हाँ तो रात को पहन के सोने का, कौन देखता है रात को? ये पेटीकोट है, नहीं पहनेगा? तेरे लिए मैं दिन दहाड़े औरत बन के घूम रहे ले, तू रात को पेटीकोट नहीं पहनेगा क्या? खाली फोकट में। ये देख ये भी लाई ली मैं। तो इससे क्या अभी मैं शेव करूंगा? नहीं ये मैं अपने लिए लाई ली, अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदी की क्या मैं? अच्छा तो तू इससे शेव करती है? नहीं शेव नहीं करती, इससे मैं नाखून काटती है। शेव तो मैं कुल्हाड़ी से करती है। हाँ सच्ची में बहुत सख्त दाढ़ी आती है ना मेरे को, और अर्चना जी को कुल्हाड़ी परवड़ता है।
अर्चना जी के लिए कुछ नहीं लाई? अर्चना जी के लिए लाई ली ना मैं क्या? ये किताब लाई ली है देख, 10 दिन में चोरी की आदत छुड़ाई। क्या चोरी किया मैंने? ये कितने की खरीदी तूने? ये खरीदी किधर, मैं चुरा के लाई है। चोरी का माल कौन खरीदते? चलो भी कब तक आपस में लगे रहेंगे फैमिली में, अभी गेस्ट लोग आए इनसे बात, आप लोग के लिए भी है चीजें है। यू नो मनिका, यू नो आई रन ब्यूटी पार्लर हियर, सपना ब्यूटी पार्लर, वी हैव ऑल टाइप ऑफ मसाज। हिंदी में बात करना। हाँ थोड़ा झाड़ रही है, मेरे को झाड़ने देना, क्या प्रॉब्लम है तेरे? हाँ हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है सर, रिंग मसाज है हम लोग के पास में। ये क्या है, इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर लोग का कपड़ा उतारते और उनको रिंग में खड़ा कर देते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाते। तेल क्यों नहीं लगाते? क्योंकि फिर हम रिंग में एक शेर छोड़ते हैं, तो शेर को देख के कस्टमर का जो तेल है वो खुद ब खुद निकल जाता। तो जैसे तेल निकलता है उसका मसाज कर देते। फिर आप लोग के इधर वो हेड या टेल रहते ना टॉस विस का, तो हमारे पास हेड या टेल मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को ना कपड़ा उतार के टॉस करते हैं। तो अगर वो टेल पे आया तो फिर उसको तेल लगा देते हैं। और अगर हेड पे आया? हेड पे आया तो उसकी पट्टी विट्टी करके उसको घर भेज देते हैं हम। ऐसे रहते हैं। फिर हमारा आपके लिए सर स्पेशल है ब्रूसली मसाज। उसमें क्या है? ये क्या है? उसमें क्या करते हैं सर, हम लोग ब्रूस लेते हैं, सुबह सुबह ब्रूस करते हैं ना, वो मैं हाथ में लेती है और कस्टमर को बोलती है देख मैं ब्रूस ली। ठीक है। और फिर ब्रूस पे तेल लगाती है और उसको मसाज करती है। ब्रूस ली मसाज। और सर हमारा वो रजत पदक मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रजत को बुलाते हैं। हाँ। मेरा बाजू वाले वो आता है और वो ऐसा मसाज करता है, एक्यूप्रेशर रहता है ना, ऐसा दबाता है इतना जोर से कि कस्टमर का पदक निकल जाता है। अरे माय गॉड, अरे मेरे को जाने, मैं भूल गई थी, मेरा वो बॉयफ्रेंड है ना मुकेश। हाँ। उसके लिए चूरन खरीदने का मेरे को। उसके लिए चूरन क्यों खरीदना? अरे वो सुबह से पदक पदक कर रहा है, मालूम है मैं चलती है। तो मैं एक्चुअली ना आज जितने भी सवाल हैं वो सब आपके फैंस की तरफ से आए हैं, तो इन्हीं में से एक का सवाल था कि कहते हैं कि योगेश्वर अखाड़े में आपने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है, तो घर में जब आपका सामना होता है मैडम से वहां पे क्या होता है? आप बड़ी सिचुएशन मेरी है। तो मतलब फिर पहलवान ऊपर से DSP कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। मनिका एक ना बच्चे का सवाल था, वो बोलते कि टेबल टेनिस जो खेलते हैं ना वो फुर्तीले बड़े होते हैं, मतलब कोई भी खेल खेलो आपको फुर्तीले होना ही पड़ता है। मैंने ना एक टेबल टेनिस का वीडियो देखा था ब्रूसली का, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें बड़ी फास्ट फास्ट खेल रहे हैं, है ना, तो एकदम से एक तो छोटी सी बॉल, ऊपर से इतना ध्यान रखना कब आ रही है कब जा रही है। तो सबसे पहले तो उसको शुभकामनाएं जिसके आपके साथ शादी होगी, क्योंकि इतनी नजर रखनी छोटी सी बॉल पे, तो इतना बड़ा पति उस पे तो नजर रखे। एनीवेज सवाल ये था, तो वो छोटी बच्ची का सवाल था, कह रही थी कि इतनी फुर्तीली होंगी मनिका तो इनको घर में अगर कोई चूहा आ जाता होगा तो मशीन रखने की तो जरूरत नहीं, खुद ही पकड़ देती। वैसे ही पूछ रही थी बच्चे की आप क्या करती है उसकी फुर्ती के लिए, आप वर्कआउट तो करती होंगी ऑब्वियसली, आपकी खाना पीना, वो पूछना चाहते थे एक्चुअली। हमारी रिफ्लेक्सेस मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती है, तो वो अच्छा करते हैं कि हम टेबल पे जितनी जल्दी बॉल आती है उतना जल्दी रिएक्ट कर सकें, तो उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। अच्छा। हाँ, और चूहे पकड़ने वाली टेक्निक मैं आपसे सीखूंगी, आपके घर में होंगे। तो योगेश्वर आप कभी कभी आप इंटरव्यू में दिखाई देते हैं तो, लेकिन आपसे बातें करके इतना मजा आता है, बिकॉज आप लोग एक छोटी सी जगह से निकल के आज इस स्तर पे आपने अपनी पहचान बनाई है, तो इतना मजा आता है। मैं बोलता था, मैं आपको बताऊं कि आपके ये शो देख के हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक तो प्रेशर होता दूर होता है। मैं ओलंपिक की बताता हूँ आपको,
उस टाइम में मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा देखता था ओलंपिक के जो हमारे ड्रॉ निकलते हैं वेट के टाइम में, मेरे मेरे उसमें ग्रुप में सभी वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड गए सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक के मेडलिस्ट सभी थे। टेंथ प्रेशर तो सब पे होता है पर मैं आपका शो देख के वो प्रेशर दूर करता था। उस कुश्ती से पहले वाली रात को ही मैंने आपका शो देखा था तब मैं सोया था। अगर मैं वो नहीं देखता शायद मेरे को नींद आती प्रेशर में। पर आपका शो देख के ये होता है एक प्रेशर जो हम पे प्रेशर होता है दबाव होता है वो दूर होता है, कुछ हंसने का मौका मिलता है। और उस प्रेशर में बहुत जरूरी है अपने आप को फ्रेश रखना, अपने 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 दिमाग को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। क्या बात है, चलिए हमें बहुत खुशी हुई कि हम थोड़ा सा आपके चेहरे पर स्माइल लाते हैं, आपको रिलैक्स कर पाते हैं। वैसे योगेश्वर आप फिल्में फिल्में देखते हैं कभी? कम देखने का मौका मिलता पर मैं आपके साथ तकरीबन देखता हूँ और हॉल पे तो शादी होने के बाद ही देखने का कुछ मौका मिला। गए थे बीवी के साथ फिल्म देखने? दो तीन बार जबरदस्ती ले गई है। तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मैं जिसकी फिल्म देख लेता हूँ वो एक्टर वो एक्ट्रेस अच्छी लगने लग जाती है मेरे को, ये नहीं तो वो है। वो बहुत अच्छी बात है। और आपका आपका कोई फेवरेट एक्टर हो मनिका? एक्टर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर? यस। वाओ, वो करने वाली क्या बात है। आप भी इस बात मजाक था। मजाक था मजाक था। हमारे साथ ऐसा होता है तकरीबन। हीरो लोग को लोग बोलते रहे हम आपके फैन हैं, हमें देखे आप बड़े क्यूट हो, हमको नहीं मांगता है। अच्छा आपका आपका कोई फेवरेट एक्टर साक्षी? नहीं कोई ऐसा स्पेशल नहीं आपका है। तो पर्सनल एक्टर ही बड़ा, क्या बात हाँ, है ये बात है ये है।, तो है मैं तो पर्सनल एक्टर ही इतना स्मार्ट है। एक बार हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए जम के तालियां होनी चाहिए। योगेश्वर साक्षी मनिका थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे शो पे आने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आइए आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पॉप किंग द वन एंड ओनली दलेर मेहंदी। पाजी आपने सरप्राइज दे दिया आज, वेलकम। जो सरप्राइज है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझसे भी बड़ा। अच्छा आप भी नहीं सोच सकते कि वो क्या है। अच्छा जी, और वो आपके लिए। अब मुझे क्या मिलने वाला है? आप हरदम छाए रहते हो हर जगह। मैं तो ट्विटर पे भी नहीं जाता, अब मेरा क्या? अब मैंने क्या कर दिया? जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनके चाहने वाले इंक्लूडिंग मी पूरा वर्ल्ड, सबको ये जान के खुशी होगी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 70 देशों ने ये चुना कि सबसे लोगों को खुशियाँ बांटने वाला हंसाने वाला इंसान अर्थ में कौन है, तो वो है। क्योंकि ये अवार्ड अगर इंडिया से होता तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन चार चांद इसलिए कि ये लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने चुना है कपिल भाई को। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं विनोद शुक्ला जी और मुंबई हेड उस्मान भाई जो आए हुए हैं वो भी हमारे साथ प्लीज स्टेज आए, स्टेज शेयर करें। मैं चाहूंगा शुक्ला साहब थोड़ी आप रोशनी डालिए। सबसे पहले बधाइयां कपिल शर्मा जी को, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन की तरफ से आपका नाम दर्ज हो रहा है। और जो वो कंटेंट तैयार हुआ है 70 देशों का, मैं बताना चाहूँगा दलेर पाजी कि वो थीसिस है, वो शोध पत्र है जिस पर PhD की जाएगी। वाओ। और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी पर शोध करके PhD की गई। और मैं सबको बधाई देना चाहूँगा खासतौर पर कपिल पाजी। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की पूरे 70 देशों की टीम को तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। संस्कृति और परंपराओं का देश है, तो अगर छोटे भाई को बड़ा भाई सम्मान प्रदान करता है तो छोटे भाई का भी फर्ज बनता है कि वो साल श्री फल से दलेर पाजी का सम्मान करें। और ये हौसला देता है एक आर्टिस्ट को जब आप उसके काम की सराहना होती है। सो मेरे पास शब्द नहीं एक्चुअली,
मुझे कभी इतनी इज्जत ज्यादा मिली नहीं है. तो थैंक यू सो मच दलेर पाजी, लव यू पाजी, थैंक यू उस्मान जी, शुक्रिया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.